नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सितारगंज उत्तराखंड में गरीब मजदूर परिवारों को महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट की ओर से प्रशासन बंटवा रहा भोजन। लॉकडाउन के चलते हुई दैवीय आपदा में सितारगंज क्षेत्र में बाहर से आए गरीब मजदूर परिवारों व यहाँ बसे गरीब मजदूरों परिवारों को सितारगंज के महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के सदस्यों व समाज के सहयोग से रोजाना भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। सितारगंज क्षेत्र के सामाजिक लोगों का कहना है कि सितारगंज क्षेत्र में उकरोली के खनन क्षेत्र व सिडकुल में बाहर से आए सैकड़ों गरीब मजदूर परिवार, जिनकी लॉकडाउन के बाद मजदूरी बंद हो जाने के कारण ऐसे गरीब परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं, जिनको प्रशासन द्वारा चिन्हित करके भोजन के पैकेट बनाकर प्रशासन के सहयोग तक पहुंचाए जाते रहेंगे। संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। नागरी सेवा समिति सारगंज के द्वारा माननीय रेशम लाल जी के नेतृत्व में अब महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट के अंदर हम लोग खाना बना रहे हैं और स्थानीय प्रशासन माननीय SDM जी, माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देश पे इनको हम खाने के पैकेट बना के दे रहे हैं। सितारगंज में खनन के जो मजदूर थे उकरोली क्षेत्र में 90 एकड़ में जहाँ जहाँ गरीब लोग हैं, प्रशासन अपनी सहूलियत के हिसाब से बंटवा रहा है। हम लोगों का लक्ष्य यही है कि हम लोग समाज से पैसा इकट्ठा करके और जो गरीब लोग जिनको पैसे खाने की आवश्यकता उन सबको वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक लॉकडाउन रहेगा हमारी समिति की तरफ से प्रयास है सबको हम भोजन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय तहसीलदार साहब के आदेशानुसार जहाँ जहाँ इन्होंने वितरण करना है वहाँ वहाँ इसकी व्यवस्था की जाती है। इस समय उकरोली क्षेत्र और गाँव के नखा क्षेत्र और जितने देहात में ये खाना बांटा जा रहा है, जहाँ जहाँ जरूरतमंदों को इसकी जरूरत है वहाँ खाना बांटा जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता रोशनलाल जी कर रहे हैं।